तो आज हम अगस्त से लेकर अक्टूबर तक में आने वाली 15 बड़ी फिल्मों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बॉलीवुड और साउथ इंडियन सिनेमा की तरफ से आने वाली है हिंदी भाषा में। वैसे अगस्त सितंबर और अक्टूबर में बहुत ही बड़ी बड़ी फिल्में आने वाली है। ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आग लगाने वाली है और ऑडियंस भी इन फिल्मों का बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं। तो चलिए लाइक का बटन दबा दीजिए, शुरू करते हैं। मुंह बोली बहन जैसी तो है, आपकी नहीं है क्या? नंबर 15 पे घूमर। घूमर एक स्पोर्ट ड्रामा फिल्म होगी जिस फिल्म में अभिषेक बच्चन और सयामी खेर दिखाई देने वाली हैं। फिल्म को आर बालकी जैसे कमाल के डायरेक्टर डायरेक्ट किए हैं। फिल्म के ट्रेलर से फिल्म काफी इंस्पायरिंग लग रही है। अभिषेक बच्चन फिल्म में एक कोच का रोल प्ले कर रहे हैं। ये फिल्म 18 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज होगी। क्या महसूस करते हैं? नंबर 14 पे किंग ऑफ कोठा। ये फिल्म एक गैंगस्टर एक्शन ड्रामा फिल्म होगी जिसमें दुलकर सलमान के साथ काफ़ी सारे एक्टर दिखाई देंगे। इस फिल्म में हमको एक गैंगस्टर की कहानी देखने को मिलेगी जो कि कोठा नाम की जगह पर राज कर रहा है। फिल्म में उस गैंगस्टर की राइज फॉल और फिर से राइज की कहानी दिखाई जाने वाली है। फिल्म का ट्रेलर काफ़ी सही लग रहा है। दुलकर सलमान की ये पैन इंडिया फिल्म 24 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है मलयालम हिंदी तेलुगु और तमिल भाषा में। मुझे मिलना है, तू आ। नंबर 13 पे ड्रीम गर्ल 2। ये फिल्म एक कॉमेडी और ड्रामा फिल्म होगी जिसको राज सांदेलिया डायरेक्शन दिए हैं, जिसमें आयुष्मान खुराना अनन्या पांडे अन्नू कपूर के साथ कई सारे एक्टर दिखाई देने वाले हैं। ये फिल्म 2019 में आई सुपरहिट फिल्म ड्रीम गर्ल का सीक्वल होगी। ड्रीम गर्ल 2 फिल्म में हमको भरपूर कॉमेडी देखने को मिलेगी ऐसा ट्रेलर से महसूस हो रहा है। इस फिल्म से आयुष्मान खुराना एक अच्छा कमबैक कर सकते हैं क्योंकि इनकी पिछली बहुत सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छी नहीं गई है। ये फिल्म 25 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज होगी। नंबर 12 पे अकेली। अकेली एक थ्रिलर ड्रामा फिल्म होगी जिसमें नुसरत भरूचा लीड रोल में दिखाई देंगी। फिल्म में एक इंडियन लड़की की कहानी देखने को मिलेगी जो कि इराक के वॉर जोन में फंस गई है। कैसे वो इस मुश्किलों का सामना करेगी यही सब हमको फिल्म में देखने को मिलेगा। ये फिल्म पहले 18 अगस्त को आने वाली थी लेकिन अब ये फिल्म 25 अगस्त को आने वाली है थिएटर्स में। नहीं, मुझे इंडिया वापस जाना है, मेरा घर है वहाँ, मेरा परिवार है वहाँ। प्लीज प्लीज हेल्प मी, मैं नहीं रह सकती हूँ। यो, लेट मी गो। नंबर 11 पे खुशी। ये फिल्म एक पैन इंडिया रोमेडी कॉमेडी फिल्म होगी जिसके लीड में विजय देवरकोंडा के साथ समंता रूथ प्रभु दिखाई देने वाली हैं। दोनों की जोड़ी काफी कूल लग रही है। फिल्म में हमको एक प्यारी सी लव स्टोरी देखने को मिलेगी। ये फिल्म में रोमांटिक स्टोरी के साथ फैमिली ड्रामा भी देखने को मिलेगा ऐसा ट्रेलर से लग रहा है। ये फिल्म को शिवा निर्माणा डायरेक्शन दिए हैं। ये फिल्म 1 सितंबर को आने वाली है थिएटर्स में तेलुगु हिंदी तमिल मलयालम और कन्नड़ा भाषा में। मेरे मुंह पे दरवाजा क्यों बंद किया? मैंने मुंह पे बंद। नंबर 10 पे जवान। जवान इस साल की सबसे मच अवेटेड बॉलीवुड फिल्म है जिस फिल्म के लिए सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। ये फिल्म एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी जिसको साउथ के पॉपुलर डायरेक्टर एट लिए डायरेक्ट किए हैं, जिसके लीड रोल्स में शाहरुख खान नयनतारा और विजय सेतुपति दिखाई देने वाले हैं। वहीं सानिया मल्होत्रा प्रिया मनी सुनील ग्रोवर योगी बाबू जैसे एक्टर सपोर्टिंग रोल्स में दिखाई देंगे। जवान फिल्म में एसआर के कई लुक्स में दिखाई देंगे। इसके धमाकेदार ट्रेलर ने ऑडियंस के एक्सपेक्टेशन को काफ़ी बढ़ा दिया है। ये फिल्म 7 सितंबर को हिंदी तमिल और तेलुगु भाषा में रिलीज होगी। नंबर 9 पे सिकंदर द अटैकर। ये फिल्म एक पैन इंडिया प्रोजेक्ट है जिसको मास डायरेक्टर बोयापति श्रीनू डायरेक्ट किए हैं, जो कि कई बड़ी हिट फिल्मों को बना चुके हैं। इनकी आखिरी फिल्म अखंडा थी जो कि बॉक्स ऑफिस पर काफी जबरदस्त कलेक्शन की थी। सिकंदर फिल्म एक मास एक्शन एंटरटेनर फिल्म है जिसमें राम पोथिनानी के साथ ब्यूटीफुल श्री लीला दिखाई देंगी। फिल्म में राम पोथिनानी फुल ऑन मासी अवतार में नजर आएंगे। ये रैपो की पहली ही पैन इंडिया फिल्म है। रैपो की फैन बेस हिंदी ऑडियंस में नेक्स्ट लेवल की है। तो देखते हैं ये फिल्म हिंदी बेल्ट से बॉक्स ऑफिस पर कैसा कलेक्शन करती है। ये फिल्म 15 सितंबर को पैन इंडिया स्केल पर रिलीज होगी। मेरी एंट्री पे कोई बचने वाला नहीं। नंबर 8 पे चंद्रमुखी 2। ये फिल्म एक हॉरर कॉमेडी फिल्म होगी जिसके लीड में राघव लॉरेंस जो कि अपनी कंचना जैसी पॉपुलर हॉरर कॉमेडी फ्रेंचाइज के लिए जाने जाते हैं और कंगना रनौत दिखाई देंगी। इनके साथ वैडी वेल्लू भी दिखाई देंगे धमाकेदार कॉमेडी अंदाज में। पी वासु ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। ये फिल्म 2005 में आई ब्लॉकबस्टर हॉरर कॉमेडी फिल्म
चंद्रमुखी का सीक्वल होगी, जिसमें रजनीकांत सर और ज्योतिका लीड रोल्स में थी। ये फिल्म 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के खास मौके पर रिलीज होगी तमिल, हिंदी, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा भाषा में। नंबर 7 पे सालार। ये फिल्म इस साल की सबसे मच अवेटेड पैन इंडिया फिल्म है, जिसका सभी बड़ी बेसब्री से वेट कर रहे हैं। ये फिल्म एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी, जिसके लीड रोल्स में प्रभास के साथ श्रुति हसन, पृथ्वीराज सुकुमारन, जगपति बाबू और टीनू आनंद जैसे एक्टर दिखाई देंगे। ये फिल्म प्रशांत नील की KGF यूनिवर्स की थर्ड इंस्टॉलमेंट बताई जा रही है। साहो, राधे श्याम और आदि पुरुष जैसी बैक टू बैक फ्लॉप फिल्म देने के बाद इस फिल्म से प्रभास एक तगड़ा कमबैक करने वाले हैं। इस फिल्म का एक छोटा सा टीजर भी रिलीज हो चुका है, जो कि पूरी तरीके से देखने में धमाके लग रहे हैं। वैसे इस मूवी की हाइप काफी तगड़ी बनी हुई है, तो ये फिल्म भी 1000 करोड़ के क्लब में शामिल हो सकती है इन फिल्मों की तरह। तो क्या लगता है आप सभी को, ये फिल्म 1000 करोड़ का कलेक्शन कर पाएगी? आप सभी को लिखकर बताना है। ये फिल्म 28 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी। लायन, चीता, टाइगर, एलिफेंट, वेरी डेंजरस। नंबर 6 पर है द ग्रेट इंडियन रेस्क्यू। ये फिल्म एक बायोपिक सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म होगी, जिसमें अक्षय कुमार के साथ परिणीति चोपड़ा दिखाई देने वाली हैं। फिल्म को टीनू सुरेश देसाई डायरेक्ट किए हैं, जो कि अक्षय कुमार के साथ रोस्तम जैसे सुपर हिट मूवी कर चुके हैं। इस फिल्म में अक्षय कुमार जसवंत सिंह गिल जी का रोल प्ले करने वाले हैं, वहीं इनकी वाइफ का रोल परिणीति चोपड़ा प्ले करने वाली हैं। ये फिल्म माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल के लाइफ पर बेस्ड होगी, जो कि कैसे कोल माइंस में फंसे 64 माइनर्स की जान बचाए थे अपनी जान को खतरे में डालकर। ये फिल्म 5 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज होगी। नंबर 5 पे लियो। लियो फिल्म साउथ सिनेमा की तरफ से आने वाली सबसे बड़ी फिल्मों में से है। ये फिल्म एक गैंगस्टर एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसमें थलपति विजय एक गैंगस्टर के रोल में होंगे। इनके साथ रिसा कृष्णन और संजय दत्त मेन लीड में दिखाई देने वाले हैं। फिल्म को लोकेश कनगराज डायरेक्शन दिए हैं। ये फिल्म LCU यूनिवर्स की थर्ड फिल्म बताई जा रही है। फिल्म में हमको विक्रम की तरह कुछ बड़े एक्टर्स का कैमियो देखने को मिलेगा। जी हाँ, ये फिल्म 19 अक्टूबर 2023 को रिलीज होगी तमिल, हिंदी, तेलुगु और कन्नड़ा भाषा में। नंबर 4 पे यारिया 2। यारिया 2 एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म होगी। ये फिल्म 2014 में आई फिल्म यारिया का सीक्वल होगी। इस फिल्म के लीड रोल्स में दिव्या कोसला कुमार, यशदास गुप्ता, मिजान जाफरी, परेल वी पुरी के साथ कुछ और एक्टर्स दिखाई देंगे। यारिया 2 कहानी होगी 3 कजन की, जो कि बचपन से एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा करीब हैं, हर बात एक दूसरे से शेयर करते हैं। ये फिल्म मेरी ऑल टाइम फेवरेट मलयालम फिल्म बैंगलोर डेज की रीमेक होगी, जो कि एक बहुत ही कमाल की मूवी है। यारिया 2 फिल्म को विनय सप्रू और राधिका राव मिलकर डायरेक्ट किए हैं। ये फिल्म 20 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज होगी। और नुकसान पहुंचाने वाली बुरी नजर से थुथुकर यार तू कितनी छह पता है। नंबर 3 प्लेस पर 2 फिल्में गणपत पार्ट 1 और तेजस। गणपत पार्ट 1 एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका सभी बेसब्री से वेट कर रहे हैं। ये भारत की पहली डेस्टोपियन फिल्म होगी, जिसके लीड रोल्स में अमिताभ बच्चन जी, टाइगर श्रॉफ और कृति सनन दिखाई देने वाली हैं। फिल्म को विकास बहल डायरेक्ट किए हैं, जो कि कई अच्छी फिल्मों को बना चुके हैं। इस फिल्म में हमको बाप लेवल का एक्शन देखने को मिलेगा। ये फिल्म 2 पार्ट में आने वाली है। गणपत का पहला पार्ट 20 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज होगा। तेजस जो कि एक एरियल एक्शन ड्रामा फिल्म होगी, जिसकी अनाउंसमेंट 2020 में की गई थी। इस फिल्म के लीड रोल में कंगना रनावत दिखाई देंगी। इस फिल्म में कंगना रनावत एक एयरफोर्स पायलट का रोल निभा रही हैं। ये मूवी तेजस गिल नाम के एक एयरफोर्स ऑफिसर और उसके साथियों की कहानी बताएगी, जो कि देश की रक्षा करने में लगे रहते हैं। ये फिल्म 20 अक्टूबर को आने वाली है। जी हाँ, ये फिल्म भी 20 अक्टूबर को आने वाली है थिएटर्स में। तो आप किस मूवी का सबसे ज़्यादा वेट कर रहे हो, तेजस या गणपत? आप सभी को लिखकर बताना है। नंबर 2 पे टाइगर नागेश्वर राव। ये फिल्म एक बायोपिक क्राइम ड्रामा फिल्म होगी, जिसके लीड में रवि तेजा, नुपुर सैनन और गायत्री भारद्वाज दिखाई देने वाली हैं। ये फिल्म मास महाराजा रवि तेजा की करियर की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है। ये फिल्म की स्टोरी 1970 में स्टुअर्टपुरम आंध्र प्रदेश के लेजेंडरी चोर टाइगर नागेश्वर राव पर बेस्ड होगी। ये बंदा हमेशा पुलिस और जेल से फरार हो जाता था। काफ़ी खूबसूरत कहानी थी इनकी। ये फिल्म 20 अक्टूबर को आने वाली है तेलुगु, हिंदी, तमिल और कुछ और भाषाओं में। कौवा, कभी बाघों का शिकार करने वाले बाघ को देखा है क्या?
नंबर वन प्लेस पे ट्वेल्थ फेल। ये फिल्म को विधु विनोद चोपड़ा डायरेक्ट और प्रोड्यूस किए हैं। फिल्म में विक्रांत मैसी लीड में है। फिल्म में यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स की लाइफ और स्ट्रगल को दिखाया जाएगा। ट्वेल्थ फेल को हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, मलयालम भाषा में रिलीज किया जाना है। ये फिल्म 27 अक्टूबर 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। जवान बहुत ज्यादा चला रहा है। जवान चलाना शुरू कहां किया अब तक? चंबल का हूं, समझा? जैसे कि आप सभी को बताया, इस समय बॉलीवुड में सीक्वल फिल्मों का ट्रेंड चल रहा है। बहुत सारी सीक्वल फिल्में आ रही हैं और आने वाली हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी फिल्में थी जिन फिल्मों का सीक्वल आने वाला था, बट अब उन फिल्मों का सीक्वल कैंसिल हो चुका है। यहाँ पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हो, बहुत सारी फिल्में हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।